जय हिंद दोस्तों, मैं भूपेन नामदेव। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यह पेपर SSC GD का प्रीवियस ईयर का पेपर है, यानी जो आपकी पिछली भर्तियाँ SSC GD की निकली हुई थी उसका यह पूरा आंसर की है। तो आज हम GK GS के पार्ट को या GK GS के सेक्शन को सॉल्व करने वाले हैं। इसके अलावा भी कुछ प्रीवियस ईयर के पेपर मैं आपका रीजनिंग हिंदी GK GS के करवाया हूँ। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो वीडियो प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हो। ये आप देख लीजिए, आपका सेक्शन पार्ट बी जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस। ठीक है, तो GK GS का आपका पहला प्रश्न है। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, SSC GD का जो आपका एग्ज़ाम डेट है वो भी जारी हो चुका है, तो ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। और अभी से तैयारी में लग जाइए, अपना जो पूरा सिलेबस है उसको अच्छे से कवर कर लीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। जब आपका लास्ट का 1 महीना बचेगा फिर आप अच्छे से और मेहनत करिएगा। ये मत समझना कि अभी सिलेबस कंप्लीट होगा तो छोड़ दो, अभी सिलेबस अभी से लग जाओ, जितना हो सके उतना तैयारी करो, दम से तैयारी करो, और लास्ट में फिर और, ठीक है ना? लास्ट के चक्कर में मत बैठे रहना कि लास्ट में कर लेंगे। तो GK GS का पहला प्रश्न है आपका, अर्थशास्त्र में CRR का पूर्ण रूप क्या है? मतलब CRR का फुल फॉर्म आपको बताना है। तो इसका फुल फॉर्म होता है कैश रिजर्व रेशियो। क्या होता है? कैश रिजर्व रेशियो। तो ऑप्शन वन आपका बिल्कुल सही होगा। तो ये प्रश्न आपका इकोनॉमी से था, और इकोनॉमी में आपका हरित क्रांति हो गया, पंचवर्षीय योजनाएं हुई, यहाँ से प्रश्न बहुत पूछे जा रहे हैं। तो पंचवर्षीय योजना खासकर बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका ये टॉपिक है, इसको अच्छे से कवर कर लेना है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य है? तो कौन सा है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन वन आप देखोगे, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से दूर रहना, यह है आपका एक मौलिक कर्तव्य है। तो ऑप्शन वन आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा सुझाए गए 5 मूलभूत खाद्य समूहों में से एक नहीं है? उसने बोला है एक नहीं है, यहाँ कई कैंडिडेट कंफ्यूज हो जाते हैं, जल्दी जल्दी में ध्यान नहीं दे पाते। उसने बोला नहीं है, तो कौन नहीं है? कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन नहीं है। कौन से नहीं है? कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। तो ऑप्शन थ्री आपका बिल्कुल सही होगा। तो आप देख सकते हैं आपके ऐसे ऐसे आपका प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो वैसे ही आपको तैयारी करनी है। और ख़ास करके आपके शास्त्रीय नृत्य हो गए, ठीक है, लोक नृत्य हो गए, और आपकी जनजाति हुई, यहाँ से प्रश्न बहुत बनते हैं। ठीक है, अगला देखो, निम्नलिखित में से किस कलाकार ने सन 2000 में पद्म विभूषण पुरस्कार जीता है? तो कौन सा कलाकार है, उसका नाम क्या है? तो दोस्तों उसका नाम है केलुचरण महापात्रा। क्या नाम है? केलुचरण महापात्रा। तो ऑप्शन फोर आपका बिल्कुल सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, लोक नृत्य लंबाड़ी किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो जो आपका लंबाड़ी लोक नृत्य है ये आपका आंध्र प्रदेश का है। किस राज्य का है? आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, तो जैसे मैं पहले ही बताया हूँ, ये आपके लोक नृत्य हो गए, शास्त्रीय नृत्य हो गए, ठीक है, और आपके जो नदी हो गए, मकबरे हो गए, यहाँ से प्रश्न बहुत ही पूछे जाते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को खास करके आपको कवर करना है और नोट करना है। नोट कर लोगे फिर इनको आप किताब में देख के कवर कर लेना, ठीक है, और यहाँ तो प्रैक्टिस होती ही जा रही है। ठीक है, एक प्रश्न और पूछा जाता है, भाषा के आधार पर सबसे पहले किस राज्य का गठन हुआ था? तो वो आपका आंध्र प्रदेश ही है, और आंध्र प्रदेश का जो शास्त्रीय नृत्य है उसका नाम है कुचिपुड़ी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, 1913 में दादा साहेब फाल्के द्वारा निर्देशित फिल्म राजा हरिश्चंद्र को देश की पहली फुल लेंथ फिल्म माना जाता है। तो दोस्तों जो आपका राजा हरिश्चंद्र है ये आपकी भारत की पहली फिल्म थी, ठीक है, तो कहाँ की फिल्म माना जाता है? भारत की। ठीक है, उसने देश का नाम पूछा है तो भारत देश की पहली फिल्म माना जाता है। ठीक है, और लूसेंट अगर आप देखो, लूसेंट की जो बुक है आपके GK GS की, उसमें सब दिया गया है। ठीक है, और जो आपका दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है ये आपका फिल्म के क्षेत्र में आपका दिया जाने वाला पुरस्कार है। ठीक है, ये पूछा भी जाता है कि आपका दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो भाई ये फिल्मों के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, अगला देखिए,
मैसूर दशहरा महोत्सव कर्नाटक में मनाया जाने वाला एक 10 दिन का त्यौहार है। तो दोस्तों जो आपका मैसूर दशहरा महोत्सव है ये आपका 10 दिन तक मनाया जाता है। कितने दिन तक? 10 दिन तक। तो ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही होगा। ऐसे जो प्रश्न होते हैं, ऐसे प्रश्न आपके कंपटीशन में चाहे वो SGD हो चाहे MTS हो पूछे जाते हैं। ऐसे प्रश्नों को नोट कर लिया करो, ठीक है? अगर याद रहे तो कोई दिक्कत नहीं, वरना नोट कर लिया करो अपनी बुक में, ठीक है? ऐसे प्रश्न को खासकर ढूंढ ढूंढ के अपने से ही आपका नोटबुक बनाना पड़ता है। अगला देखो, भारत में पहला सीमेंट संयंत्र किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो किस वर्ष में स्थापित हुआ था? तो दोस्तों ये आपका 1904 में स्थापित हुआ। ये भी अच्छा प्रश्न है, इसको भी नोट कर लो। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कायांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है? तो कौन सा नहीं है? वो है आपका ग्रेनाइट। कौन सा? ग्रेनाइट, ठीक है? तो ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल सही होगा। आपकी चट्टाने भी कई प्रकार की होती है, अग्नेय चट्टाने, अवसादी चट्टाने, कायांतरित चट्टाने, ठीक है? और जो शायद ग्रेनाइट है आपका, ये आपका अग्नेय चट्टान का उदाहरण है। तो कायांतरित चट्टान का उदाहरण कौन नहीं है? अग्नेय, वो ग्रेनाइट नहीं है, ठीक है? बाकी आपका सीस्ट, नाइस और कार्टजाइट, ये सब कायांतरित चट्टानों के उदाहरण है। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही होगा। अगला देखो, अगला प्रश्न आपका, केंद्र सरकार की दूसरी जनसंख्या नीति राष्ट्रीय जनसंख्या नीति भारत में किस वर्ष में बनाई गई थी? तो किस वर्ष बनाई गई थी? तो दोस्तों ये आपका सन 2000 में बनाई गई थी। कब? सन 2000 में। तो ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, सुकन्या समृद्धि योजना खाता बालिका के माता पिता या कानूनी अभिभावकों द्वारा बालिका के डैश की होने से पहले कभी भी खोला जा सकता है। मतलब बालक हो या बालिका, सॉरी बालक के लिए नहीं है, बालिका के लिए है, क्योंकि सुकन्या समृद्धि योजना है, सुकन्या कन्या का ये आपका योजना है, ठीक है? तो कितने वर्ष से पहले नहीं खोला जा सकता? 10 वर्ष से पहले। कितने वर्ष? 10 वर्ष से पहले, ठीक है? तो ऑप्शन 2 बिल्कुल आपका सही होने वाला है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका, एन बीरेन सिंह मार्च 2022 में भारत के डेस राज्य के मुख्यमंत्री बने। तो दोस्तों एन बीरेन सिंह मणिपुर, कहाँ के? मणिपुर राज्य के क्या बने? मुख्यमंत्री, CM, चीफ मिनिस्टर बने, ठीक है? ये आपकी सुना होगा अभी न्यूज में, आपका मणिपुर में आपका एक घटना चल रही है, ठीक है? और SSCGD का आपका जो मणिपुर में उस समय में घटना चल रही थी जिस समय फिजिकल टेस्ट हो रहा था, ठीक है? तो अब उसका फिजिकल टेस्ट का एडमिट कार्ड निकला है मणिपुर का, ठीक है? तो अब उसका अभी मणिपुर का फाइनल रिजल्ट नहीं आया था ना, तो मणिपुर का अभी फिजिकल होगा, फिर मेडिकल होगा, फिर उसका फाइनल रिजल्ट आएगा पिछली भर्ती का। अगला प्रश्न है, ड्यूरालुमिन एल्यूमिनियम और डैश से बना मिश्र धातु है। तो भैया कौन है वो? वो है आपका तांबा। तांबा किसकी मिश्र धातु है? ड्यूरालुमिन एल्यूमिनियम और तांबा से बना मिश्र धातु है। कौन? ड्यूरालुमिन है, ठीक है? तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। थोड़ा मैं आगे गलत बोल दिया, आपका एल्यूमिनियम और तांबा से मिलकर जो बना है उसको हम ड्यूरालुमिन कहते हैं, ड्यूरालुमिन, ठीक है? जो कि आपकी मिश्र धातु है। अगला देखें, अगला प्रश्न आपका पॉलिटी से है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति से संबंधित है? तो कौन सा अनुच्छेद है? वो है आपका अनुच्छेद 161। कौन सा है? अनुच्छेद 161। तो ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना वेद है? तो ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो कौन सा वेद है? सर्ग वेद। आपके टोटल 4 वेद हैं, सबसे पुराना आपका सर्ग वेद है, ठीक है? अगला प्रश्न, एशियाई खेल 2018 में कितने देशों ने भाग लिया था? तो कितने देशों ने भाग लिया? तो दोस्तों 45 देशों ने भाग लिया था। तो ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है? तो देखो उसने करंट अफेयर्स कब का पूछ लिया, 2018 का पूछ लिया, तब की एग्जाम हुआ था 2023 में, ठीक है? तो करंट अफेयर्स भी आपका पूछ लिया था, खेलों, खासकर खेलों का और पुरस्कारों का। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपको वही पंचवर्षीय योजना, जैसे कि मैं आपको शुरुआत में ही बताया, कौन सी पंचवर्षीय योजना बुनियादी ढांचे के विकास
यानी बिजली और पर्यावरण पर केंद्रित थी। तो कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? वो थी आपकी पहली पंचवर्षीय योजना। कौन सी पहली? पहली थी, पहली तो शायद कृषि पर थी यार, ऑप्शन पर लगाया है, जैसा भी हो देखना कौन सी थी। ठीक है, तो ऑप्शन में लगाया पहली, पहली शायद किसी पर थी। ठीक है, जो कि आपका 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना हुई थी, जो आपका 1956 तक चली थी। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2018 किस देश द्वारा आयोजित किया गया था? किस देश द्वारा आयोजित किया था? तो दोस्तों भारत देश के द्वारा आयोजित किया गया था। तो ऑप्शन फोर आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, डैश ने भारत में योजना आयोग की प्रति स्थापित किया। तो किसने? नीति आयोग। किसने? नीति आयोग ने भारत में योजना आयोग को प्रति स्थापित किया। ठीक है, और नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो आपका प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, इससे पहले आपकी पंचवर्षीय योजना चलती थी, फिर आपका 2014 से आपका नीति आयोग आ गया। ठीक है, तो पंचवर्षीय योजना के स्थान पर आपका नीति आयोग चलता है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही होगा। अगला देखो, अक्टूबर 2022 में स्लोवाक गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किसे किया गया? तो किसको नियुक्त किया गया? तो भैया अपूर्व श्रीवास्तव को। किसको? अपूर्व श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया। तो ऑप्शन फोर बिल्कुल सही होगा। तो दोस्तों ये थे आपके GK GS के प्रश्न। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और कहीं मिस्टेक नज़र आई हो या कहीं आपको समझ में ना ही आया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।